दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील पटेल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नरेगा क्रिएशंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा पोर्टल से आप यह कैसे देखें कि प्रोजेक्ट उन्नति में किन किन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किन लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है और किन लोगों को ट्रेनिंग के साथ प्लेसमेंट अर्थात स्वरोजगार भी दे दिया गया है। वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट उन्नति क्या होता है। देखिए, जो लोग मनरेगा में 100 दिन का पूरा रोजगार प्राप्त कर लेते हैं उनमें से 20% लोगों को जो एलिजिबल रहते हैं उन्हें सिलेक्ट करके कोई ना कोई स्वरोजगार दिया जाता है। इसे ही प्रोजेक्ट उन्नति के नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार से जानकारी के लिए प्लीज आप ऊपर दिख रहे कार्ड बटन पर क्लिक करें, क्योंकि इस संबंध में मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखा है। फिलहाल हमें इस प्रोजेक्ट उन्नति में किन किन लोगों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दिया गया या मनरेगा पोर्टल से कैसे देखते हैं ये सीखते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर सर्च करें narega.nic.in, तत्पश्चात सबसे ऊपर दिख रही लिंक पर क्लिक करें। अब जो इस मनरेगा पोर्टल का होम पेज हमारे सामने ओपन होता है, आप इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे लाएं और जहां पर लिखा हुआ है रिपोर्ट, प्लीज आप इस पर सिंगल क्लिक करें। अब कैप्चा कोड की कैलकुलेशन करने के पश्चात आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें और आज के इस डेमो वीडियो के लिए मैं स्टेट मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। अब जो MIS वाला पेज हमारे सामने ओपन होता है, इसमें आप देखिए R29 पे जहां पर लिखा हुआ है कन्वर्जेंस, इसके अंदर ही प्रोजेक्ट उन्नति की रिपोर्ट रहती है। जब आप इसमें अंदर जाएंगे तो देखिए इसमें दो फोल्डर दिख, पहला स्टेटवाइज स्टेटस का और दूसरा ट्रैक स्टेटस। एक एक करके हम आगे इन दोनों के बारे में विस्तार से समझेंगे। जब हम स्टेटवाइज स्टेटस को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें प्रोजेक्ट उन्नति की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट डिस्प्ले होने लगती है। इसमें हमें चुने गए राज्य के समस्त जिले की रिपोर्ट डिस्प्ले होने लगती है। इस डेमो वीडियो के लिए मैं बालाघाट जिले को सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि इस जिले में ही सर्वाधिक संख्या है। अब आप यहां से मेरा यह वीडियो प्लीज जरा केयरफुली देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इसमें काला नंबर 3 पर हमें वह संख्या दिखती है कि जिन लोगों ने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा प्राप्त कर लिया है, और क्रमशः आगे 4 और 5 में इस संख्या 2382 को दो भागों में बाइफरकेट कर दिया गया है। पहला जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है और दूसरा जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच है। कॉलम नंबर 6, 7 और 8 में हमें वह संख्या दिखती है जिसे कि ये तीन इंस्टीट्यूट क्रमशः DDU, RCT और KVK ने इन 2322 लोगों में इन लोगों को सिलेक्ट किया है। यह संख्या क्रमशः 1, 72 और 1 दिख रही है, और 9वें नंबर पे इन तीनों संख्याओं का टोटल रहता है। देखिए, यह संख्या कुल 74 दिख रही है। कॉलम नंबर 10, 11 और 12 में हमें वह संख्या दिखती है जिसमें कि इन वर्कर्स ने कौशल पंजी ऐप में रजिस्ट्रेशन किया है। यह कौशल पंजी ऐप क्या होता है, देखिए इस संबंध में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो जारी किया है। यह दिख रहे थंबनेल और ऊपर दिख रही कार्ड बटन पर क्लिक करके आप इस कौशल पंजी ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉलम नंबर 14, 15 और 16 में हमें वह संख्या दिखती है जिसमें इन तीनों इंस्टीट्यूट द्वारा इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, और कॉलम नंबर 18, 19 और 20 में हमें वह संख्या दिखती है कि इन ट्रेन किए लोगों को प्लेसमेंट अर्थात स्वरोजगार दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके लिए किसी मायने में हेल्पफुल है तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार का देखिए ऑल का भी बटन आता है, प्लीज आप इसे भी दबा दें। और यह वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मनरेगा के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक के ग्रुप से आप अवश्य जुड़ जाएं जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नमस्कार।